हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनीषा। तो दोस्तों, घट स्थापना के दौरान भूलकर भी ना करिए पांच गलतियां, नहीं तो माँ का श्राप लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों घट स्थापना के दिन यदि आप ये पांच गलतियां करते हैं तो दोस्तों आपका धन हानि होगी, आर्थिक नुकसान हो सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। तो दोस्तों अवश्य जानें कि ये गलतियां कौन सी है। तो दोस्तों ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों घट यानी कि कलश की स्थापना ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। किसी और की दिशा में कलश को स्थापित करने से घर में नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें, नवरात्रि के नौ दिन माँ दुर्गा की पूजा करने के साथ साथ घट की आराधना भी करनी चाहिए। दोस्तों खंडित यानी कि टूटे या खराब कलश को कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। दोस्तों इससे आपको देवी देवता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों एक बार जिस स्थान पर कलश को स्थापित कर दिया तो नौ दिनों तक उसे अपनी जगह से गलती से भी ना हटाए। दोस्तों कलश स्थापना के दौरान गंदे पानी और काली मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों साफ सुथरे पानी और अच्छी मिट्टी का ही उपयोग करें। दोस्तों जो लोग अपने घर में घट की स्थापना करते हैं या नवरात्रि के व्रत रखते हैं उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा नौ दिनों तक घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार का कोई ना कोई सदस्य घर में जरूर होना चाहिए, नहीं तो इससे घर में अशांति फैल सकती है। तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। अगर आपने भी घर में घट को स्थापित किया है तो नौ दिनों तक घर में ना तो तामसिक भोजन बनाए और ना ही घर से बाहर उसका सेवन करें। दोस्तों इसके अलावा शारीरिक संबंध भी ना बनाए, नहीं तो इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती है और घर से महालक्ष्मी चली जाती है। तो दोस्तों इन बातों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, सावधानी बरतते हैं तो दोस्तों माता रानी की आपके ऊपर अपार कृपा दृष्टि बरसेगी। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय महालक्ष्मी नमो अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।